आड़ा देखो यहाँ नीचे लगा है, ये है पेड़, देखो इसकी जड़, ये जड़ है इतनी, और ये देखो सिंघाड़ा लगते हैं, देखो दो तीन, देखो सुबह सुबह कुश्ती हो रही है। ये छोड़ा रही है पीछे वाली, वो दोनों कुश्ती कर रहे हैं। ये देखो इतने लोग चढ़ने जा रहे हैं। जिस जिसको गांव पसंद है जल्दी से लाइक कर दे। इतने प्यारे प्यारे हैं। ये देखो यहाँ मेरी बरसीम बोई है, देखो कितना प्यारा खेत लग रहा है ना, कितना हरा हरा, इतनी इतनी अभी हुई है, कितनी एकदम हरियाली, कितनी प्यारी सी है। सरसों बो गई हैं, अभी देखो कितना हरा लग रहा है, सारे खेत हरी हरी एकदम। टुनटुन है, बाकी ये सारी हैं, जा रही हैं सब चरने। देखो रास्ते में शुरू हो जाते हैं जो भी मिलता है, नहीं घर में इतना नुकसान करके सब फेंक के आते हैं। देखो चलो सीधे चलो, देखो रास्ते में जैसे पुल उल बने हैं, डिवाइडर वाइडर जैसे इनकी खुजली के लिए बना है, कितना खुजली कर रहे हैं, देखो सब जा रहे हैं। ये देखो बिना खुजली के तो जाते नहीं, देखो टुनटुना शुरू हुई है। ये देखो एक बार पता नहीं खुजली करके कहाँ मिल जाता है, चलते रहो को वहां तक। देखो आज हम ही इनको ले जा रहे हैं, इनको छोड़ने जा रहे हैं खेत में, इनको छोड़ देंगे अपना चले आएंगे घर, ये लोग आराम से चरेंगी। और पता है अगर कोई ना चरा है तो ये 4 बजे घर पहुंच जाती हैं, इनको पापा जी से टाइम पता हो जाता है कि चलो घर निकल लो, ये लोग चले आते हैं अपने आप से। सब लोग आगे जा रही हैं, और ये देखो हमारी टुनटुन है पीछे चलती हैं, इतनी धीरे चलती हैं, बेचारी बूढ़ी हो गई है, पैदा भी हमारे घर में हुई थी, अब इतनी बड़ी हो गई बूढ़ी भी हो गई है। आ चलो जल्दी, देखो पुलिया मिल गई इसको भी खुजली, चलते रहो। अरे अरे संभल के, देखो सबके खुजली चढ़ जाते हैं, चलो यार। वो देखो पेड़ में भी खुजली, जौन चीज मिले सबकी खुजली करते रहो, चलते रहो। अच्छा यार देखो घर में इतना पानी भरा रहता है, नहीं पीती है, देखो गड्ढे में कूद गई हैं, देखो गड्ढे का पानी भगवान पता नहीं का स्वाद मिला था, ताजा पानी भर दो ठंडे में नहीं पीती है, मग खुद गई हैं पी हैं, देखो कितने मजे में पिए ले रही हैं। चलो देखो निकल रही, पता नहीं कहाँ मजा मिला थे। देखो इतना इतना गेहूं हो गया है, ये बोया है, ये देखो आ गए जंगल में। देखो जंगल में एंट्री की रास्ता है, यहीं घुस जाती हैं जंगल में, ऐसे रास्ता सब तरफ से हमारी, तो इधर ही जाती हैं जंगल में। देखो पूरा जंगल बबूल का है, अंदर आम भी हैं, जामुन भी हैं, ढेर सारे नीम भी हैं। ये तो पीछे रही हैं, इनका आगे आए कोनो उम्मीद नहीं, आ जल्दी। देखो सब लोग जाएं जंगल में, भी देखो कांटे पेड़ के नीचे जानबूझ के जा रही, जानबूझ के निकल रही हैं। ये देखो सब लोग चली गई जंगल के अंदर, पता नहीं कौन किधर गया है, ये भी जा रही हैं। देखो जंगल की रास्ता ऐसी होती है,
देखो तालाब है पास में। को सिंघाड़े के पेड़ हैं लेकिन लग रहा है सिंघाड़े टूट गए हैं। देखिए जरा, ये देखो सिंघाड़े टूट गए हैं। ये देखो एक छोटा सा सिंघाड़ा लगा है, ये देखो। और देखें सिंघाड़े ही नहीं है। हाँ ये देखो एक सिंघाड़ा है यहाँ पे लगा है। और देखें ये देखो दो वैरायटी के, देखो ये हरा सिंघाड़ा है, कितना छोटा छोटा है सिंघाड़ा। देखो यहाँ नीचे लगा है, ये है पेड़, देखो इसकी जड़, ये जड़ है इतनी। और ये देखो सिंघाड़ा लगते हैं, देखो दो तीन टूट चुके हैं और लगा भी है, एक लगा है। ये देखो एक सिंघाड़ा लगा है यहाँ पे, ये देखो इसको मैं तोड़ लेती हूँ, इसमें कौन सा। ये देखो इतना बहुत कम सिंघाड़ा है, सिंघाड़े खेती नहीं हुई, केवल ऐसे ही पड़ा था। अरे सिंघाड़े टूट चुके हैं, कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे ये लोग छोटे हैं। ये देखो इतना बड़ा सा छोटा है, ऐसे बढ़िया सिंघाड़ा आराम से तोड़ लो, कोई कुछ कहता नहीं यहाँ पे। देखो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब टूट गए जंगल में, है ना। ये देखो इतना छोटा सा ये भी है, एक और लगा है, ये रहा तालाब के सिंघाड़े। ऐसे पसंद होंगे ना आप लोगों को, कितने छोटे छोटे से हैं, मीठे मीठे। और देखते हैं, इसमें नहीं है, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी पानी में। ये देखो इसमें भी एक लगा है, ये मैंने इतने तोड़ लिए हैं, पर अभी गंदे हैं, इनको साफ पानी में धुलना पड़ेगा तब खाने लायक होंगे। आ भी नहीं रहे, मेरे मुट्ठी में गिर जा रहे हैं। और चला गया पानी के अंदर, ये मिला, कहाँ गए ये देखो। गुस्सा आ गए, देखो छोटे छोटे सिंघाड़े, छोटी छोटी बूंदी। जंगल की रास्ता, ये देखो जगह जगह पे कितने कांटे पड़े हैं, रास्ते में कांटे पड़े हैं, वो संभल के चलना पड़ता है। यहाँ पर मतलब सब लोग काट के ले जाते हैं ना पेड़, देखो कितनी ज्यादा इधर उधर सब पड़े हैं। और यहाँ देखो एक साइड से कितनी ज्यादा रास्ते हैं, देखो रास्ते में इतने इतने कांटे पड़े हैं। यहाँ तो भूल ही जाओ कौन सी रास्ते आए थे, कौन सी रास्ते गए थे। जंगल के अंदर ना पेड़ से पहचान होती है। चली आ रहे हैं, और ये देखो छोटे छोटे चर रहे हैं, देखो इतनी छोटी छोटी घास, कितनी मेहनत करके चर रहे हैं। माँ खेत है, यहाँ गेहूं बोया है, अभी जमा नहीं है, चरी कट के अब गेहूं बो गया है इतने में। देखो इतना बड़ा था जिसमें चरी बोई थी, मैं छोटी सी गठरी ले जा रही हूँ घास की, और छोटे छोटे बच्चों के लिए ले जा रही हूँ जो कुछ नहीं खाते हैं, खाना सीख रहे हैं। मैंने सोचा खेत आए हैं, थोड़ा सा घास ले लें, वैसे भी हरा चारा मिल नहीं पाता घर में अभी इतने टाइम, तो इसीलिए मैं इतनी, देखो कितनी प्यारी लग रही ना छोटी सी गठरी। ये देखो मेरी चरी मतलब इतनी सारी अभी यहीं सूख रही है, देखो कितना दीमक से बेकार हो गई है। देखो यहाँ भी है ऐसे गई है, ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ पे,
देसी स्टाइल में ट्यूबवेल चल रहा है बढ़िया। देखो गेहूं बोए हैं, गेहूं में सींच रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। इतने छोटे छोटे गेहूं हैं, इसी में आगे गेहूं हैं, इन्हीं में पानी जा रहा है। तो कितनी लंबी सी पाइप लगानी पड़ती है, कितनी ज़्यादा लंबी पाइप लगानी पड़ती है, तब दूर तक खेत होते हैं, तब सींचा जाता है। बड़ी मेहनत लगती है खेती में। शहर वाले ये ना सोचे कि बहुत आसानी से हो जाता है। देखो अभी इतने बड़े हैं, पानी लग रहा है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो भी ट्यूबवेल से। तेल लग भी लगता है कितना ज़्यादा। वो देखो कितनी लंबी पाइप गई है आगे वाले खेत में, खेत में पानी आ रहा है इसी में। देखो ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, पता नहीं इसके ऊपर किस चीज का पेड़ चढ़ा है, लेकिन पत्ती वत्ती नहीं है, केवल यही सब ऐसे ही लटके हुए हैं। देखो है देसी बबूल का पेड़ सारा लटका हुआ है। देखो रास्ते में कितने सारे नीम है, देसी बबूल है, पूरी रास्ते पेड़ हैं, इसीलिए गांव अच्छे लगते हैं। रास्ते किनारे पेड़ होते हैं, बगल में देखो हरे हरे भी खेत हो रहे हैं, सारी बिल्कुल हरियाली लगेगी। तो फ्रेंड्स खेत में प्यारा सा छोटा सा बंगला रखा हुआ है, देखो बोरी से बना है, एकदम पल्ली से, कितनी जगह फट भी गया है, चूहों ने काट दिया है। फिलहाल अभी मैं घर जा रही हूँ, और आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।